इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि बाल संरक्षण की अधीक्षिका पूनम पाल को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। बाल संरक्षण गृह की अध्यक्षता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस वीडियो में पूनम पाल बच्चों पर चप्पल बरसाती हुई नजर आ रही थी। जी हाँ, चप्पलबाज अधीक्षिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हम हमारे संवाददाता संदीप शर्मा के साथ में। जी संदीप, जैसा कि चप्पलबाज अधीक्षिका पर एक दिन पहले मुकदमा दर्ज हो गया था, अधीक्षिका निलंबित हो गई थी, लेकिन गिरफ्तारी में देरी क्यों हुई और अब जो कार्रवाई हुई है उस पर क्या जानकारी है? देखिए कोमल, जो पूरा मामला है वो मंगलवार का है। एक वीडियो जो है वायरल हुआ था, उस वायरल में जो बाल गृह की जो अधीक्षिका है उन पर बच्चों की जो है चप्पलों से पिटाई करने का जो है उसमें साफ वो देखी गई थी। इस पूरे मामले में जो वहां पर जो और कर्मचारी हैं उनके द्वारा जिलाधिकारी से शिकायत भी की गई थी और अन्य आरोप भी उन पर लगे थे। इस पूरे मामले में जो है जिलाधिकारी ने एक जांच टीम जो है गठित की थी, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट और डीपीओ ने पूरे मामले की जांच की थी और उसमें अधीक्षिका जो है दोषी पाई गई थी। और बात की जाए तो जिस तरीके से वह दोषी मिली थी उस पूरे प्रकरण में जो है उनको निलंबित किया गया था। साथ ही जो मंडलायुक्त है ऋतु माहेश्वरी, उनके निर्देश पर जो है उन पर जो है मुकदमा भी दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद इस पूरे प्रकरण में आगरा पुलिस ने जो है जो अधीक्षिका है पूनम पाल उनको गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद उनको जो है कोर्ट में सुपुर्द किया गया है, कोर्ट में पेश किया गया है। और फिलहाल इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी भी जो है गठित की है और जो समिति है वो पूरे जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर उस पूरे आरोपों की जो है जांच करेगी। जी जी संदीप, ये बताइए कि लंबे समय से इस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं, इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, तो आखिर क्यों इन पर पर्दा डाल दिया जाता है, इस पर अधिकारियों का क्या कहना है? देखिए जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ है, पहले एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पहले मंगलवार को हुआ, फिर बुधवार को हुआ, उन्हीं सब वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने जो है पूरे मामले में जांच कराई थी। जांच में दोषी पाए जाने पर जो अधीक्षक पूनम पाल है उनको निलंबित कर दिया है और वहीं पूरे घटना का संज्ञान लेते हुए जो मंडलायुक्त है ऋतु माहेश्वरी, उन्होंने पूरे प्रकरण में जो है कार्रवाई की बात कही थी, उसी के तहत उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया और पुलिस ने, आगरा पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद आज अधीक्षिका को जो है गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं एक जांच समिति भी जो है गठित की गई है, जो उन पर आरोप लगे हैं उन आरोपों की जो है वो पूरी समिति जो है जांच करेगी। वहीं बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो बाल गृह है, बाल गृह संरक्षण की जो है कहीं ना कहीं छवि भी खराब हो रही है। और जिस क्योंकि जो बच्चे वहाँ रेस्क्यू करके लेकर आए जाते हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी इन सब चीजों का जो है फर्क जो असर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और कई आरोप हैं लेकिन अभी उसमें जो है जांच होना बाकी है। समिति का गठन किया गया है और प्रत्येक बिंदुओं पर जो है समिति जांच करेगी। जी संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस समस्त जानकारी के लिए। जैसा कि आपको एक बार फिर से बता दें कि बाल संरक्षण गृह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें छोटे छोटे बच्चों पर अधीक्षिका चप्पल बरसाती हुई नजर आ रही थी। आपको बता दें कि बाल संरक्षण गृह जहां बच्चों की देखभाल की जाती है, लेकिन यहां देख रहे तो दूर बच्चों पर चप्पल बरसाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर एक वीडियो में बच्चों के हाथ पैर बंधे हुए भी देखे जा रहे हैं। एक वीडियो में कार्रवाई तो वहीं हो गई, अब देखना होगा कि दूसरे वीडियो में क्या कार्रवाई होती है। दूसरे वीडियो के वायरल होने के बाद उस समय पर क्या उस वीडियो पर संज्ञान लिया जाता है, ये अब देखा जाएगा। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।